हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम किसी टपल में एक वैल्यू डिलीट करना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टपल इम्यूटेबल सीक्वेंस है। इम्यूटेबल सीक्वेंस होने के कारण एक बार बनाने के बाद उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उसकी वैल्यू बदल नहीं सकते। लेकिन हम एक नया टपल जरूर बना सकते हैं जिसमें वो वैल्यू नहीं होगी जो हम पुराने टपल में नहीं चाहते। तो हम एक नया टपल बनाएंगे जिसमें वो वैल्यू नहीं होगी जो हम डिलीट करना चाहते हैं। ये काम करने के लिए हम पाइथन स्लाइस का यूज़ करेंगे। पाइथन स्लाइस का लिखने का जो सिंटेक्स है वो नीचे यहाँ लिखा हुआ है। आइए देखते हैं इसको सबसे पहले करेंगे कैसे। मान लेते हैं एक टपल है जिसमें पांच वैल्यूज़ हैं। इन पांच वैल्यूज़ में ये जो बीच की वैल्यू है 90, ये हम टपल में नहीं चाहते हैं, यानी टपल से डिलीट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 90 वैल्यू के इंडेक्स से लेफ्ट साइड यानी इन दो वैल्यूज़ को हम स्लाइस करके अलग निकालेंगे और 90 वैल्यू के इंडेक्स के राइट साइड के वैल्यूज को हम अलग स्लाइस करके निकालेंगे। स्लाइस क्या होता है, स्लाइस किसी सीक्वेंस का एक पीस या पार्ट होता है। इस पूरे टपल का ये दो एलिमेंट एक पार्ट है और इस पूरे टपल का इधर राइट साइड का ये दो एलिमेंट ये अलग पार्ट है या स्लाइस है। स्लाइसिंग करेंगे तो हमको ये दो एलिमेंट्स मिल जाएंगे इधर के, और एक बार फिर से स्लाइस करेंगे तो राइट साइड के दो एलिमेंट्स मिल जाएंगे। बाकी दो एलिमेंट्स को हम जोड़ लेंगे तो हमारा नया टपल बन जाएगा जिसमें 90 वैल्यू नहीं होगा। लेफ्ट साइड स्लाइसिंग करने के लिए जो इंडेक्स होगा वो ऐसे लिखना है आपको, टी टपल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट वैल्यू है 0, स्टॉप वैल्यू है 2, यानी कि 0 से आप स्लाइसिंग स्टार्ट करोगे और 2 पर रुक जाओगे। तो 0 और 1 शामिल होगा और जैसे ही 2 आएगा आप रुक जाओगे, यानी 2 वैल्यू ऐड नहीं करना है। तो 0 से 1 तक की आप स्लाइसिंग आपको इधर मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही राइट साइड के एलिमेंट्स को हम ऐसे स्लाइस करेंगे, टी टपल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स 3 है और रुकना कहाँ पर है, 5 पर। तो 3 और 4 शामिल है इस स्लाइस में। जब आप ये लिखोगे तो राइट साइड का पार्ट मिल जाएगा। अब इन दोनों पार्ट्स को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे प्लस सिंबल लगाकर। ऐड करने पर नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे तो नया टपल हमारा इस बन जाएगा। नए टपल बनने के बाद में वैल्यूज को इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, 31 होगा 0 पे, 41 होगा 1 इंडेक्स पर, 11 जो पहले 3 इंडेक्स पर था अब वो 2 इंडेक्स पर है, और 71 आपका पहले चौथे इंडेक्स पर था वो तीसरे इंडेक्स पर। नया टपल आपका ऐसे बन जाएगा जिसमें 90 वैल्यू नहीं होगी। ध्यान रहे आप पुराने टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपको नया बनाना। प्रोग्राम में देखते हैं कि इस काम को कैसे करना है। एक टपल बना हुआ है, यहाँ 5 वैल्यूज है जिसमें हमने यहाँ कमेंट में इंडेक्स नंबर पहले से लिख रखा है और हम इस टपल में 90 वैल्यू नहीं चाहते। तो हम जो एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं वो है इंडेक्स 2 पर। हम यहाँ इंडेक्स लिख रहे हैं जिस इंडेक्स को हमको डिलीट करना है। पहला पार्ट निकालेंगे इस इंडेक्स से लेफ्ट साइड वाला, तो पार्ट 1 हमारा हो जाएगा टी टपल में 0 से लेकर इस इंडेक्स तक। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के पार्ट को आप ऐसे निकालोगे। राइट साइड के पार्ट को निकालना कैसे है देखिए, टी टपल में स्लाइसिंग करने का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो 3 होगा, क्योंकि आपको ये हिस्सा यहाँ से चाहिए 3 से लेके आखिरी तक। आप यहाँ लिखोगे 3, या आप ऐसे लिख सकते हो i+1, और लास्ट वैल्यू ऑटोमेटिक हमारा लास्ट इंडेक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है जब आपको लास्ट एलिमेंट तक की स्लाइसिंग करनी होती है। फिर आप यहाँ पर दोनों पार्ट्स को ऐड कर दीजिए, t1+t2। अब नए टपल को आप प्रिंट करके चेक कर सकते हो कि रिजल्ट क्या है। इसको रन करिए। हम जो चाहते थे टी टपल में ये 90 ना रहे और वो नए वाले टपल में 90 नहीं। वैसे आप किसी भी दिए गए टपल में एक वैल्यू डिलीट कर सकते हैं उसको उसके इंडेक्स को बताकर।